सातवें फेज की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली को लेकर के आजकल एक जो मुद्दा बड़ा चर्चा में है वो है वेटेज वाला। इसके लिए काफी कुछ आजकल चल भी रहा है, और वेटेज किसको मिले? पहली बात तो ये चल रहा है कि जो मेरिट में थे पहले उनको कुछ वेटेज मिले, और दूसरा मुद्दा ये चल रहा है कि जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के अंदर है, जिसका जिस किसी का भी ऑनर्स उसी सब्जेक्ट के अंदर है, जिसका एग्जामिनेशन दिया है या जिसका टीचर बनने वाले हैं, तो कुछ ऑनर्स के हिसाब से कुछ वेटेज दे दिया जाए। तो क्या ये सब चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल है आज की कंडीशन में कि किसी मेरिट वाले को कुछ नंबर दे दिया जाए एक्स्ट्रा, और या फिर किसी ऑनर्स वाले को कुछ नंबर दे दिया जाए? आज की कंडीशन में अगर बात करें तो इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर टच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए, ये भी बेहद जरूरी है। नोटिफिकेशन में जाकर के ऑल पर क्लिक कीजिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, दो मुद्दे वेटेज वाले। सबसे पहले ये जो मेरिट वेटेज की बात कर लेते हैं, ऑनर्स वेटेज वाला मामला थोड़ा पेचीदा है, उस पर बाद में बात करेंगे। जो मेरिट वेटेज की बात हो रही है कि मेरिट के बेसिस पर वेटेज दे दिया जाए, जो पहले मेरिट लिस्ट बनी थी, देखें जो पहले मेरिट लिस्ट बनी थी वो सही थी गलत थी उस पर बात हो सकती है, पर उसके बेसिस पर वेटेज देना ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जिसके पास कॉमन सेंस भी इस बात को समझ सकता है, जो कुछ बना था पहले वो 2019 तक की वैकेंसी पर बना था, उस टाइम तक जो कुछ अवेलेबल था, आज तीन साल साढ़े तीन साल के बाद कंडीशन थोड़ी बदली है, अब काफी सारी इस दरमियान की इस बीच की जो वैकेंसी होगी वो भी ऐड होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर उस टाइम पर फौरी तौर पर बहाली ना हो पाई, थोड़ा लेट हो गया, तो उस टाइम के हिसाब से जो कुछ बना उस पर वेटेज दे दिया जाए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं लगता है। और वैसे भी आप अगर कहीं भी तलाशेंगे शिक्षक बहाली, बहुत जगह पर डिले होता है, केवल बिहार नहीं है डिले हो रहा है, जहां बहुत जगह पर डिले हो रहा है और बहुत जगह पर इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जहां पहले कोई लिस्ट बनी फिर खारिज हुई फिर लिस्ट बनी, ये सब मतलब पहली बार कोई नहीं हो रहा है। हाँ, कम होता है ये बात जरूर है, लेकिन ऐसा कोई हिस्ट्री कहीं भी नहीं है जहां पर कुछ वेटेज दे दिया जाए। और वैसे भी जो लोग मेरिट में थे पहले, कंप्यूटर साइंस में तो सबकी जॉब हो ही रही है, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी 60-40 का खबर आया ही है, तो 60% वेटेज मतलब एक क्लियर एज है एकेडमिक के ऊपर। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट था जिसके लोग ज्यादातर लोग बाहर से पढ़ के आए थे, जिन लोगों ने बीटेक एमसीए, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हिंदी उर्दू सोशल साइंस मैथ जो भी आप सब्जेक्ट ले लें, 80-90% कैंडिडेट बिहार के अंदर से पढ़ा हुआ है। इस बात पे ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर साइंस में मामला कुछ अलग था, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें 80-90% कैंडिडेट बिहार से पढ़ा हुआ है, और ज्यादातर लोगों का जो एकेडमिक मार्क्स है वो एक जैसा है। आप कोई नंबर बढ़ा के बीएड किया होगा बिहार से कहीं से जेन्युइन तरीके से कम पे, बाद में खरीद लेगा जाके 85% वाला कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बिहार के अंदर से जेन्युइन कैंडिडेट पढ़ा हुआ है वो सबका स्कोर एक जैसा है। ये बहुत सारा सर्वे किया है उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब बेकार की बात है। ऑलरेडी एसटीईटी मार्क्स जिस किसी का भी अच्छा है उसको क्लियर एज है। मुझे ऐसा लगता है कि बहाली कोई नहीं रोक रहा है आप लोगों की, इस तरह से बेकार के मुद्दे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के मुद्दों में पढ़ेंगे आपकी बहाली अटकेगी। तो इस तरह के फालतू बातों में आपको मतलब वेटेज से है या बहाली से है, पहले इसको आप कन्फर्म करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर, भरमाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए बहुत तरह की चीजें आपके सामने लाई जाएंगी, पर आपको मतलब अपनी बहाली से होना चाहिए। जबरदस्ती वेटेज लेकर कोई फायदा नहीं है, आपको बहाली हो रही है कि नहीं आप ये चेक कीजिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा जो अपना मुद्दा वो है ऑनर्स का। देखिए, ऑनर्स आपके स्क्रीन पर जो अभी दिख रहा है ये 2020 वाली जो नियमावली है उसका ये 12वां पेज है जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों, अब 2020 नियमावली पर इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी वही सामने है, 2022 वाली अभी आई नहीं है, उसके अंदर क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन 2020 की नियमावली में जो लिखा हुआ है उसी को आधार बना के और इसके पहले की नियमावली, 2020 के पहले की नियमावली में क्या था उस पर भी बात करेंगे। 2020 में क्या था उसको देखिए। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष के अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थी गण को मेधा अंक में 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज जो है वो दे होगा। तो आपने देखा किन लोगों को मिल रहा है वेटेज, एक तो जो गेस्ट टीचर कम से कम एक साल काम कर रखा है उसको 5 नंबर, कम से कम एक साल, 2 साल 3 साल भी काम करेगा तब भी 5 ही नंबर, ऐसा नहीं कि हर साल का 5-5 नंबर जुटता जाएगा। ये भी कई लोगों ने नरेट कर दिया है कई जगह पर कि हर साल का 5-5 नंबर जुटता जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी एक बार 5 नंबर मिल गया हो गया,
अदरवाइज किसी को 20-30 नंबर मिल जाएगा यहाँ से, उसका वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। और शहीद की जो विधवा है उनको 10 नंबर का, हालांकि इस तरह के कैंडिडेट ही बहुत कम होंगे जो ऊपर वाला केस है। तो 10 नंबर और 5 नंबर किनको देने का प्रावधान था 2020 की नियमावली में, वो आपके सामने है। अब इससे पहली वाली नियमावली में क्या था, उसमें ऑनर्स का वेटेज था। पहली वाली नियमावली में मैंने देखा है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस तरह का जिसे मैंने वेटेज पर बात किया था। तो पहले की नियमावली में था ऑनर्स का वेटेज, लेकिन 2020 में उसको खत्म कर दिया गया। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें कितनी सही या कितनी गलत हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अभी तक जो मैं बोल रहा था वो सब चीजें आपको हो सकता है ऑलरेडी पता होंगी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस को छोड़ करके, बाकी जितने भी हैं, बिना मतलब का आप बेकार के मुद्दों में मत फंसिए। आप लोगों की जॉब ऑलमोस्ट पक्की है, बहाली खुलवाने पर ध्यान दीजिए। फालतू के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, आपका ही नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो बना के बताया कि जिस सब्जेक्ट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर पेपर वन पेपर टू दोनों है, वहां पर तो कैंडिडेट नहीं मिलेगा और 100% लोगों की जॉब होगी। जूलॉजी वाले जो हैं उनका प्लस टू में इतना ज्यादा सीटी पड़ रहा है कि जूलॉजी वालों का भी हो जाएगा मामला। एक हल्का सा उर्दू का लग रहा है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सीट उर्दू में बढ़ाए और उनकी बैकलॉग सीटें भी ठीक ठाक हैं तो उर्दू वालों का भी निपटारा हो जाएगा। तो बिना मतलब के मुद्दों में मत फंसिए। अगर आप सोशल साइंस के नहीं है, कंप्यूटर साइंस के नहीं है, तब मैं बोल रहा हूं, आप सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस पर बाद में आते हैं, तो ये बात आप बिल्कुल पक्का दिमाग में बिठा लीजिए कि इन दो सब्जेक्ट को, कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस को छोड़ के, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो इन तरह के फालतू के मुद्दों में मत फंसिए कि 5 नंबर 10 नंबर का वेटेज मिलेगा और उससे कुछ फायदा होगा। अरे जब बहाली सबकी हो ही रही है तो जबरदस्ती सरकार से वेटेज लेकर क्या करना है आपको, मतलब अपनी बहाली से है, अननेसेसरी मुद्दों में क्यों पड़ना है। ऐसे में पूरी बहाली अटक जाएगी अगर किसी ने उठकर एक केस कर दिया, और केस करने वाले भी एक से एक, कई बार लोग छुप के केस करते हैं। एक बार जो पेटिशनर है, एक शिव प्रसाद चौरसिया या पता नहीं इस तरह कोई नाम, उस अकेले एक इंसान ने पता नहीं कितने केस कर रखे सरकार के खिलाफ, आप जाके इंटरनेट पर चेक कीजिए, शिव प्रसाद चौरसिया ही शायद नाम था जहां तक मुझे याद आता है, मैंने पहले एक बार चेक किया था इसलिए मैं बोल रहा हूं। उस बंदे ने उसी नाम से एसटीईटी पर भी कई केस हुए, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डमी कोई इंसान है, वो एक्चुअल कोई एसटीईटी कैंडिडेट नहीं है। कई बार छुप के केस करना होता है तो वकील इसी तरह के लोगों को आगे कर देते हैं जिसका एक्चुअल में एसटीईटी से कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों वकीलों के जेब भरना है। अपनी बहाली से मतलब रखें। अब जो कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस वाले हैं वो लोग अब ध्यान दें। देखिए मुद्दा तो है, कंप्यूटर साइंस में सीटें बढ़ रही हैं, ये बात भी पक्की है, कुछ ना कुछ तो बढ़ा के आएगा ही, और ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन कैंडिडेट की जॉब भी हो जाएगी। बहुत भारी भीड़ इसके अंदर बीसीए या जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते हैं, कंप्यूटर साइंस में आधी से ज्यादा भीड़ उन्हीं लोगों की है। अब जो कोई जाके खरीद करके सीए कहीं से अपने आप को एलिजिबल बना ले जबरदस्ती तो उसकी बात अलग है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना करने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस में। सोशल साइंस पर बाद में आता हूं मैं। तो सीट बढ़ाई रही जब सरकार, तो फिर बेकार का ये सब फालतू मुद्दे पढ़ने की क्या जरूरत है। और बार बार अखबारों में आया है, इवन सेक्रेटरी ने भी इस बात को कहा है, एक नहीं कई सारे कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जब सचिवालय गए थे तो सेक्रेटरी ने उनको ये बात कहा था कि कंप्यूटर साइंस में सीटें बढ़ने जा रही हैं, और वही सब चीजें अखबार में ही जो प्रकाशित हुई थी। तो जब कंप्यूटर साइंस के कई कैंडिडेट्स को खुद ही ये कन्फर्म करवा दिया शिक्षा विभाग के सचिव ने कि आपकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, तो फिर इन मुद्दों में क्यों फंसना है अननेसेसरली, जब ज्यादा ज्यादा जेन्युइन कैंडिडेट की जॉब हो ही रही है और इसमें तो हो भी रहा है पूरी तरह से बहाली किस आधार पर उसके भी खबर आप लोगों को लगी गई होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कंप्यूटर साइंस वालों को भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार का मुद्दा। और कंप्यूटर साइंस वाले अगर इसमें पढ़ेंगे भी वेटेज वाले में, तो किसको ऑनर्स का वेटेज मिलेगा, बीटेक वालों को, एमसीए वालों को या किसी और को? इसमें तो इतना सारा कोर्स है, पता नहीं बीसीए प्लस पीजी या बीटेक मैकेनिकल प्लस पीजीडीसीए जिसने खरीद लिया या जो भी है, और पता नहीं कितनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 8-10-12 तरह का कोर्स है, किसको मिलेगा? किसी को मिलेगा, कोई और है केस कर देगा। 8-10 तरह का तो कोर्स है इसके अंदर, इस बात को भी सोचिए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वो अगर अधिकारी बैठेंगे कल को, अगर मान ली वेटेज के लिए सोचने बैठे कंप्यूटर साइंस में वेटेज देना है, वो खुद ही वो चक्कर खा जाएंगे, इसको देना किसे है, इतने सारे तो कोर्स है और किसको नहीं देना है। अब कई लोग अपने हित के लिए, यार मेरा तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बीटेक कंप्यूटर साइंस है, या एमसीए है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को मिलना चाहिए, एमसीए है तो एमसीए वालों को मिलना चाहिए। अब ये सब करते रहेंगे तो फिर तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है।
फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जिंदा रहेगा और बहाली किसी की भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब ये सब को खत्म करने की जरूरत है, अब बहाली खुलवाने पर फोकस करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको बेवकूफ बनाने वाले 50 बैठे हैं, आपको बेवकूफ पहले ही बहुत बार बनाया गया, किसी कोर्ट केस से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद हुआ और फिर से शायद वैसा ही कुछ ना हो जाए। अब आते हैं सोशल साइंस की तरफ। सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, आपके स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी दो में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। चार में से दो, उस दो में से एक सब्जेक्ट जो है वो अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ा होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी थी। तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट का वेरिएशन है। अब जब ग्रेजुएशन इस लेवल पे लोग पढ़ते हैं तो उसमें सोशल साइंस तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, उसमें तो सब्जेक्ट यही सब होता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसी तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर किसको वेटेज मिलेगा, हिस्ट्री वाले बोलेंगे हमें मिलेगा, जियोग्राफी वाले बोलेंगे, यहां तो पहले ही सब्जेक्ट को फिल्टर कर रखा है किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मतलब कंप्यूटर साइंस में भी वैसी ही कंडीशन है, किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। सोशल साइंस में भी वैसा ही है कि इतने सारे, इसमें भी चार चार सब्जेक्ट हैं और इसमें भी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बना रखा है। तो कहने का मतलब ये सब पॉसिबल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट वालों को सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए और इन दो सब्जेक्ट में भी ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। अब वैसे ड्राफ्ट सरकार ने ऑलरेडी बनाया है, बना चुकी सरकार, अब आप मांग करते रहिए, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है। जो सरकार ने करना था नियमावली को लेकर कर दिया। जो ड्राफ्ट जो वायरल हुआ था प्राथमिक वाला 1-8 वाला, वो ऐसे ही नहीं वायरल हो गया था, वो एक्चुअल में तो सही था। अब सरकार ने जो करना था, जो फैसला लेना था ले लिया, अब उसमें बार बार तब्दीली करना, बार बार उसको चेंज करते रहना, किसी बहाने से सरकार प्रेशर बनवा के, अब इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो इसीलिए ओवरऑल मैं बस ये बात आप लोगों तक कन्वे करना चाहता हूं कि इस सब फालतू के मुद्दों में मत फंसिए। वेटेज और उसको वेटेज और उसको वेटेज, जब जॉब हो ही रही है तो क्यों वेटेज चाहिए जबरदस्ती, कंप्यूटर साइंस में सीट बढ़ी रही है तो क्यों वेटेज चाहिए जबरदस्ती। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंडेटरी होता है स्कूल्स के अंदर, उसके अंदर भी सीटें बढ़ के आएंगी ही, 26,000 में कम से कम 8-10,000 की जॉब तो आराम से हो रही है, 8-10,000 की जॉब तो आराम, जिसका भी एग्जाम में स्कोर अच्छा उसकी गारंटी जॉब की। तो कहने का मतलब है कि ये सब फालतू चीजें मत फंसिए और जो है अब फोकस होना चाहिए कि बस सातवें फेज का विज्ञापन आए और बहाली आगे की ओर बढ़े। अदरवाइज जो अननेसेसरी मुद्दों को उठा करके मतलब आपका ही नुकसान है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट या तो ऑनर्स वालों को या तो फिर किसी और को कुछ वेटेज देने जा रही है। जो 2020 की नियमावली में था वेटेज का, वैसा ही कंटिन्यू रह जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये जो विधवा वाला जो दिया गया है, ये जो वायरल हुआ था पीछे 1-8 वाला, आप उसमें जाकर चेक कीजिए, ये उसमें भी था मौजूद, जबकि जो पहले वाला नियमावली देखिए उसके अंदर नहीं था वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में जो वेटेज का सिस्टम था उसी को सरकार ने 2022 में भी कॉपी कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के टाइम पे कम से कम जो कंडीशन बन रही है इसमें ये सब फालतू के मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है। बहाली पर फोकस कीजिए, बहाली खुलना जरूरी है, बाकी सभी मुद्दे बेईमानी है। सातवें फेज की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली को लेकर के आजकल एक जो मुद्दा बड़ा चर्चा में है वो है वेटेज वाला। इसके लिए काफी कुछ आजकल चल भी रहा है और वेटेज किसको मिले, पहली बात तो ये चल रहा है कि जो मेरिट में थे पहले उनको कुछ वेटेज मिले, और दूसरा मुद्दा ये चल रहा है कि जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के अंदर है जिस किसी का भी ऑनर्स